नमस्कार। और आज चर्चा एक ऐसे विषय की जिस पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मोदी 3.0 में अगर 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही है तो मोदी 3.0 के पहले बजट की हो रही है। दो वजहों से, एक तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरा कि एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर एक नया कीर्तिमान इस देश में बनाने वाली निर्मला सीतारमण जी ने एक नया इतिहास रचा है, 7वीं बार बजट लगातार पेश करके। मैं और मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़ी रहेंगी। बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू। बहुत बधाई आपको, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री, एक महिला वित्त मंत्री, आपने 7वां बजट लगातार पेश किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको मौका दूंगी आपके अपने बजट की खूबियां गिनाने में, लेकिन वो विपक्ष के आरोपों के जवाब में आप बताएं। दो मुख्य आरोप जो आपके बजट पर विपक्ष लगा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब नीतीश बाबू चाहिए, नायडू बाबू चाहिए, तो आपने उन दोनों को खुश किया है। और दूसरा, कांग्रेस कह रही है ये उनके मैनिफेस्टो से कट पेस्ट बजट है। अपनी खूबियां गिनाकर बजट की दोनों आरोपों का आप जवाब दें। पहला, हमारे बजट के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के समय ही काफी काम हो चुका था। इस बजट में उस वोट ऑन अकाउंट में जितने भी जिक्र हुआ है विषय, उन सब का इसमें भी जिक्र है, क्योंकि वो पहले 4 महीने का बजट था इस वित्तीय वर्ष का, और अभी 8 महीने जो बचा हुआ है उसके लिए ये बजट आ रही है। मगर उससे इम्पोर्टेंट विषय कि अगले आने वाले 5 साल, जो अमृतकाल के 5 साल है, विकसित भारत की ओर का 5 साल है, उसका डायरेक्शन सेटिंग करने वाले बजट है ये। सो उसमें महिला का स्थान क्या होगा, उसके लिए कितना करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, अन्नदाता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो विकसित भारत के नजर रखते हुए वोट ऑन अकाउंट में ही हम जिक्र कर चुके थे, उसका विस्तार से इसमें बात की। सो कट पेस्ट का इसमें कोई वो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं है। 2047 तक भारत अगर विकसित भारत होना है, उसके लिए हम रास्ता क्या देख रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें पहले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले ही हमारे बजट के द्वारा बोल दिए। इसमें कट पेस्ट क्लेम करने वाले कौन है, करने का उनके अधिकार भी बनता है क्या? ये नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू, 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया तो बाकी राज्य गुस्से में है। नहीं, पहला मैं बाकी राज्यों से ये भी पूछना चाहती हूँ, भारत देश में अगर एक राज्य ऐसे है जिसमें आज तक उनका राजधानी तक नहीं है, क्या उनको मदद करना गुनाह है क्या? क्या यूपीए सरकार अगर होते आज, वो इनकार करते हैं आंध्र प्रदेश को? आपके एपी रिओर्गनाइजेशन एक्ट में दिया गया है हक कि आपको एक कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, क्या यूपीए सरकार उसको नकारेंगे? भारत देश में एक ऐसे कानूनन जो विभाजन हुआ, उस राज्य में कैपिटल तक नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या तर्क रख रहे हैं? देश आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैंने सोचा इस चुनाव के द्वारा जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी को चुना जाता है जनता से वोट के द्वारा, इस बार सचमुच विपक्ष का भी चुनाव हुआ है, मतलब 50 सीट के साथ आप शायद ताकत से पार्लियामेंट में कंडक्ट कर नहीं पा रहे हो, लो 40 और सीट, फिर भी जनता ने उनको 100 पार नहीं करने दिया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रोल आप निभाएंगे या नौटंकी करते रहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मिनिमम सपोर्ट
प्राइस है आपका, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आपने बिहार और आंध्र को दिया, लेकिन मैं बिहार के लिए स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी, कि स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, इस पर भी उनको घेरा जा रहा है कि अरे आपने तो अपनी मांग को ही छोड़ दिया। बिहार को जो ये मदद दी गई है अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की, क्या ये कंटिन्यूड सपोर्ट है एक ऐसे राज्य को उबारने, क्योंकि आपने बाढ़ के हिसाब से दिया है, वो भी बहुत जरूरी है एक ऐसे राज्य के लिए, लेकिन एक वन टाइम एक आवंटन के तौर पर नहीं? नहीं, क्योंकि बिहार के विषय में आप सही कह रहे हैं, बाढ़ के विषय में बिहार जैसे असम में तुलनात्मक नहीं बात कर रहे, बाढ़ आता है इन दोनों राज्यों में नदी जो कहीं और से बहकर इधर आता है उसके कारण। नेपाल में हम भारत देश सिर्फ मोदी जी की सरकार नहीं, उससे पहले से दशकों से नेपाल से बातचीत हो रही है कि अगर उधर, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसे है नेपाल का बिहार का, उधर अगर एक हम बांध बनाएंगे तो ये फ्लड कंट्रोल कर सकेंगे, वो नेगोशिएशन चल रही है। मगर हम तो देख रहे हैं हर साल बिहार में नुकसान होते हैं, संपत्ति का नुकसान, जानवरों का नुकसान, जान का नुकसान, सो इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। और बिहार सरकार के द्वारा कोसी मीची का डैम वगैरह उसे जोड़े हुए 20 और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल आ रहे हैं, उसका EFC वगैरह हो। मगर द लार्जर पॉइंट ऑन विच मैंने बजट स्पीच में ये बात बोली कि एक टेक्निकल टीम जाएगा, क्योंकि वो नेपाल में वो बांध बनाने तक इधर कैसे हम कंट्रोल करें, या तो उस वाटर को डाइवर्ट करें जहां इरिगेशन का जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा फ्लड आएगा तब क्या करना है, इन सब के ऊपर टेक्निकल टीम जाए और जियोलॉजिकल स्टडी करें, सालों तक नहीं महीनों में आ जाओ और उसके ऊपर क्या करना है, ये एक्शन करवाने के लिए हमने अश्योरेंस दी है। सो बिहार का ये सिर्फ एक अमाउंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने उसको मंजूरी दिया, ऐसे नहीं। हम बोल रहे हैं कि कोसी का ये फ्लड का प्रॉब्लम को एज मच एज पॉसिबल एक परमानेंट सॉल्यूशन के ओर हम लेके जाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन बाढ़ से तो उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है, वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में निर्मला जी वित्त मंत्री जी फंस गई हैं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं अलग से, महाराष्ट्र को लेकर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप लोग बदला ले रहे हैं, वहां अच्छी सीटें नहीं आई, ये आरोप। ये गलत प्रचार है। मैं इसीलिए जब कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे उठकर जब बात की, मैंने अनुमति से उसका जवाब भी दिया, क्या कांग्रेस पार्टी उनके समय पर बजट के भाषण में हर राज्य का क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो देने वाले हैं, कितना अमाउंट देने वाले हैं, ये उनके बजट स्पीच में बोला गया क्या? मैं चैलेंज आपके सामने आपके द्वारा मैं बोल रही हूं, हर एक बजट भाषण निकालिए, क्या उसमें 3, 4, 5, 10 राज्यों का नाम अगर गिना नहीं गया, बोला नहीं गया, क्या उसका मतलब उन स्टेट्स को पैसा रोका गया? नहीं, तब भी रोका नहीं गया, आज भी रोका नहीं जाता। बजट स्पीच के अंदर आप कुछ विषयों को छेड़ेंगे, बात करेंगे, मेनी आर नॉट स्पोकन। लेकिन सरकार बचाने के लिए आपने वो कह रहे हैं कि प्लेट में आपने उनके पकोड़े और जलेबी डाल दिया है और बाकी को नहीं, उनको यही ऑब्सेशन है जी, उनको बार बार सच्चाई को कहना नहीं, लड़ाई सच्चाई के ऊपर हो, मैं खड़े होकर के लड़ूंगी, मगर आप बेबुनियाद आरोप लगाओगे और उसको दुष्प्रचार करोगे पूरे देश में, और मैं जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं दही फैलाते जाओ, रायता फैलाते जाओ, और मैं झाड़ू पोछा करके। अच्छा, 7 साल में तो आपको भी एहसास हो गया होगा कि वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें और आखिर में सबसे कम संतुष्टि जाहिर की जाती है बजट से, बड़ा मुश्किल होता है। पंचिंग बैग जो बोलते हैं ना, पंच करो तो फिनांस। लेकिन एक बड़ा एक रवायत रहती है, एक ट्रेडिशन है
कि जिन राज्यों में इलेक्शन होता है उनके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, ऐसा नहीं किया है आपने? क्यों? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं सुनाई दिया? वरना तो लोगों को लुभाने के लिए कहा जाता है कि भाई हम महाराष्ट्र को ये दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे लिए वोट करो। हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो एक विषय है, मगर काम तो जरूर कर रहे हैं। जैसे मैंने वदावन पोर्ट महाराष्ट्र का याद दिलाया राज्यसभा में, क्या वो काम अभी घोषणा कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसका नहीं हुआ है? हुआ है, मगर महाराष्ट्र का नाम वोट ऑन अकाउंट में मैंने नहीं लिया। उसका मतलब ये नहीं था कि महाराष्ट्र का कोई कुछ नहीं जा रहा है। मैं यही फर्क कांग्रेस के अप्रोच से और हमारे अप्रोच से मैं बोल रही हूँ। हम जब पक्ष में बैठे थे, कांग्रेस से ये प्रश्न पूछा नहीं है कि क्यों तमिलनाडु का नेम नहीं आया, जम्मू कश्मीर का नेम नहीं आया। समझते थे कि पैसा जाएगा, अगर कोई ऐसे अहम मुद्दा हो तो प्रश्न पूछे, वो नहीं है। एक स्वीप ऑफ ब्रश में आप एक ही आरोप सबको उठाएंगे कि हमारे स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन हमारे, इस देश हमारा नहीं है? पर अब अगर वो नीति आयोग की बैठक का सब बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएंगे भाई विपक्षी स्टेट्स, कच्चा सा मौका छोड़ रहे हैं, छूट जा रहे हैं उनके लिए, आकर बैठो। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके सामने उठाओ भैया, दम से उठाओ कि हमारे राज्य के लिए ये करना है। आप नीति आयोग से स्टडी करवाइए, और हम स्टडी कर दिया, ये लो रिपोर्ट, पैसा दो, हक से मांगो भाई। अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर, रोजगार पर काफी जोर आपके बजट का, आपने वही थीम भी बताया एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, उससे जुड़े तीन प्रश्न मैं आपसे करूंगी। 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देना है टॉप 500 कंपनीज, तो आ जाता है प्रति कंपनी 4,000, ठीक है? तो अब विपक्ष का कहना है, विपक्ष क्या मतलब, जो नॉर्मल भी है, हम लोग सोच रहे हैं कि 4,000 कौन सी कंपनी इंटर्न्स को ले लेगी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा है कि आप हर कंपनी को 4,000 इंटर्न्स रखने पर कैसे आप उनको बाध्य करेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं है कंपनीज को, आप नज कर रही हैं। ये नजिंग किसके लेवल पर है? क्या वित्त मंत्री नज कर रही हैं, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी नज कर रहे हैं, कैसे ये कार्यान्वित होगा? और तीसरा प्रश्न मेरा यही है कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो विपक्ष कर रहा है वो यही है कि आप क्या नौकरी तो दे नहीं रहे, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो आप फिर वही 2 करोड़, हालांकि आपने उसके लिए 2,00,000 करोड़ आवंटन किया है 5 साल के लिए, बट आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर आप बना रहे हैं। तीन सवाल है यही है। सी, मैं कुछ बोलूं तो बाहर की परसेप्शन ये होगा वित्त मंत्री अरोगेंट है, भाई क्या बात करते हैं। नो, अरोगेंस नहीं है, मेरा बोलने का तरीका शायद लगता है भाई, आई एम नॉट स्पीकिंग अरोगेंटली। मैं तीन विषयों को एक एक करके बोलती हूं, मगर मैं पहला एक सिनिकल व्यंग से, बिल्कुल इंटर्नशिप का, अप्रेंटाइसशिप का हक हम देंगे युवाओं को, ये कहने वाले कौन है भाई? कांग्रेस ना, पहले वो तो बोल रहे थे कि वो हक देंगे, मतलब युवाओं को आप गुमराह करने के लिए, जॉब देने के लिए कुछ नहीं बोला, अप्रेंटिसशिप का हक देंगे। चुनाव प्रचार, उन्होंने नाम प्रचार के लिए, पर मैम नाम दिया था पहली नौकरी पक्की, ये नहीं, मैं आ रही हूं ना एक एक करके आ रही हूं। सो वो अप्रेंटिसशिप का बात जब आपने हक के रूप में दिलाने वाले थे, जरूर इसी लॉजिक के अनुसार आप गुमराह करने के लिए जॉब तो नहीं देने वाले थे, मगर ये हक दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप का, वो जॉब नहीं है ना, फिर हक क्यों दे भाई, हक क्यों दे फिर? सो हक आप देने में वो ठीक है, सचमुच हम जब जॉब दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप भी दे रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, वो 5 वाले पैकेज में ये दोनों छोड़ करके 3 में जॉब ही तो दे रहे हैं ना। एक फर्स्ट टाइमर के लिए, एक फर्स्ट टाइमर तो ठीक है, या तो सेकेंड टाइम भी जॉब लो उनके लिए, और ये तीसरी सपोर्ट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयर, छोटे एमएसएमई है भाई, उनके पास 10 लोग हैं, वो कैपेसिटी बढ़ा रहे, उनको 10 और चाहिए, ले लो 10 और, मगर दिखाओ नया लिया,
उसमें फर्स्ट टाइमर का भी दिया जॉब, फिर ईपीएफओ के द्वारा सरकार देगी वो एम्प्लॉई के हिस्सा ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन, और सरकार देगी एम्प्लॉयर का हिस्सा, और ये एम्प्लॉई का पहले तनख्वाह 15,000, चाहे वो जॉब 50,000 सैलरी वाला हो या 1,00,000 सैलरी वाला हो, उससे ऊपर नहीं, हम हमारे हिस्सा देंगे, ये तो कमिटमेंट है उसमें। सो जॉब भी दे रहे हैं 3 स्कीम्स के द्वारा, स्किल भी दे रहे हैं आईटीआई के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, कंपनियों के साथ, और दे रहे हैं टॉप 500 का अप्रेंटिसशिप। अब आ रही हूं मैं आपका कैलकुलेशन के, कंपनी मतलब 4,000 आपने सोच रहे, कंपनी क्या एक ही बिल्डिंग है क्या? नहीं, बड़ा टॉप 500 कंपनी मतलब उनके इस देश में कम से कम 4-5 बड़े शहरों में या शहर से दूर उनके एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, पैकेजिंग सेंटर होता है, वो हर एक इंडस्ट्री उनके अपने अपने तरीके से, ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है वो टॉप 500 कंपनी, वो होने सकता है आंकड़ा आपके हिसाब से। हम इंडस्ट्री के साथ बैठ करके इन हर एक स्कीम के लिए प्लान करने के बाद ही, और इंडस्ट्री ये आश्वासन देने के बाद ही इसको ले आ रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है, उसके बाद ही हमने ये 5 पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स ले आ रहे हैं। सो इसको कैसे इम्प्लीमेंट, ठीक है आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, मगर कंपनी हम बोल रहे हैं टॉप 500 वाले कंपनी, उनका टर्नओवर देखिए कितना कितना बड़ा कंपनी है वो, उनके एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं, इतने सारे जगह पर है। सो इट इज अ बिग स्केल प्रॉमिस दैट वी आर ब्रिंगिंग थ्रू द स्कीम, और उसमें कंपनी क्यों हमारे लोग को रखना है, हम दे रहे हैं उनके लिए पैसा 5,000 हम दे रहे हैं हर महीना, 12 को नहीं देना है, कंपनीज को नहीं देना है, कंपनी को देना नहीं, मगर कंपनी सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है, आपने यस अपॉर्चुनिटी देनी है, और शॉप फ्लोर में उनको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी जब देंगे, उनके साथ कोई इंस्ट्रक्टर तो होगा, आप ऐसे करो वैसे करो, वो सब कंपनी करेंगे, और अपॉर्चुनिटी देने के बाद 12 महीने के बाद इस लड़की को लड़का को हाथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि टॉप 500 कंपनी में से एक, इसमें मैं 12 महीना सीखा, देन ही बिकम्स इवन मोर क्वालिफाइड टू बी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी है जी आज बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम, एक उदाहरण दे रही हूं, पिछले 15 दिन और 20 दिन के पहले कंट्री के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी L&T के चीफ ने कहा 45,000 जॉब्स आर विद मी, मगर जॉब के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए उसके साथ वाला युवा नहीं मिल रही, विच इज व्हाट, जॉब्स आर अवेलेबल, उसके लिए लायक युवा रेडी नहीं है, उसके लिए रेडी करने के लिए ही हम ऐसे एक्सपोजर दे रहे हैं। तो क्या उनको अब्सॉर्ब करने के लिए भी किसी तरह का कोई स्कीम होगा? जरूर, आफ्टर दैट ही विल बी एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, एंड विद देम दे नो विच कंपनी वुड वांट दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट, ही कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा इंडस्ट्रीज के लिए और वो उनके लिए आगे रास्ता बनेगा, ये लागू कब से करेंगे, और आपने पीएसयूज को क्यों अलग रखा है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट पार करने दो उसका, उसके बाद तुरंत हम प्रॉपर्टी में, जहां पर आपने 20% से 12.5% LTCG को कर दिया, लेकिन आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया जो इन्फ्लेशन लिंक लोगों को फायदा हो रहा था, उससे भी लोग निराश हैं, कह रहे हैं कि अगर, हालांकि 2001 के बाद से ही है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो ये उनके लिए सौदे का घाटा हो सकता है जो पहले उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नहीं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ, अगर प्रॉपर्टी इस साल खरीदा इतने में खरीदा, अभी सेल वैल्यू इतना है, व्हाट वुड हैव बीन द टैक्स रेट, ये सब वर्कआउट करके ही हमने ये अमाउंट में आया। और इसके लिए क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह बजट पेश करने के बाद तुरंत बाद से ये उठा, वो तो इनहेरिटेंस टैक्स से लिंक कर रहे हैं विपक्ष इसको इनहेरिटेंस टैक्स से भी लिंक कर रहा है कि 2001 के बाद की प्रॉपर्टी है, कोई बेचने जाएगा जो माता पिता से मिला है उसको कम फायदा होगा। उनको ऑब्सेशन है कि इनहेरिटेंस टैक्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल,
जब उनसे पैसा वो लेने के लिए बोलते हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो उनको ठीक है। मगर जब हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर, रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके ऊपर स्पष्ट बातें बोले कि इसमें 1.25 लाख पर ईयर का आपको राहत देने के बाद 12.5 लगा लो, और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद 80% ऑफ द पीपल आर ऑन हाई अर्निंग्स जिनके ऊपर ये 12.5, क्या इसमें भी वो आपको आपत्ति है? जब आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास पैसा है वो उठा करके आप सबको खटाखट, वो सब आप कहने में अच्छा है, हम कर दिखाने में आपको दुख है, ये क्या लॉजिक है भाई? दीपाला जी, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन आखिरी एक सवाल के साथ जिसका एक शब्द में आप उत्तर दे सकती हैं। आपके बाकी मंत्रिमंडल के कोलीग से भी मैंने ये पूछा कि निर्मला जी के बजट को आप एक वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप अपने खुद के बजट को अगर एक शब्द में बांधना चाहें तो वो क्या होगा? आम आदमी के लिए राहत देने वाले बजट, राहत वाला बजट, डेफिनेटली राहत वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वित्त मंत्री जी, और ये हम सब के लिए गौरवपूर्ण बात है कि आपने एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सातवां बजट बनाकर नया कीर्तिमान बनाया। तमाम सवालों के आपने जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।